बोले डीएम साहब जब आए थे यहाँ, जब उनका ये हम लोग पेपर में न्यूज देखते थे तो हमको लगा अब तो कम से कम हॉस्पिटल का और जिला का कुछ उधार होगा, मगर अभी तक वो जिला बद से बदतर होते जा रहा है। हॉस्पिटल का मतलब कि ये कहानी है। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक प्रसव पीड़िता महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। मृतक थावे थाने के चनावे की रहने वाली अनीता देवी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में फैले कुव्यवस्था की शिकार हुई है। परिजनों ने बताया कि जिला अधिकारी से लेकर सिविल सर्जन तक गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और माँ बनने की सपने लिए अनीता देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब देखना होगा कि नए जिलाधिकारी, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति काफी सक्रिय हैं, इस घटना के बाद क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ गोपालगंज, और यहाँ पे देखे जब हम आए तो ये हमारे रिश्तेदार लोग हैं चनावे से। ये बोले रात को ऐसा ऐसा हो गया, थावे में हम गए, थावे से रेफर किए तो गोपालगंज आए। गोपालगंज सुबह से डॉक्टर के लिए फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर कोई उपलब्ध नहीं था। हाँ अभी आ रहे जा रहे, तब तक हम आए यहाँ गोपालगंज में, हमारा कुछ काम था तो मालूम हुआ जैसे ऐसे हमारे रिश्तेदार के साथ हुआ है तो हम आए यहाँ देखने के लिए। तब तक पेशेंट यहाँ अच्छी थी, इनको बुलाया गया डॉक्टर आए नहीं, क्या था डॉक्टर अभी आ रहे। और तब तक हमने डीएम साहब को भी फोन लगाया तो उनका पहला कॉल नहीं उठा, मगर दूसरा कॉल उठा तो बोले जी सी एस साहब से बात करते। उससे पहले हम सी एस के पास चार बार जाकर ऑफिस में बोल कर आए जी सर पेशेंट मर जाएगी, थोड़ा सा कॉपरेट किया जाए, डॉक्टर को ही भेजा जाए, आप चलिए। बोले ठीक है, दो मिनट रुकिए मुखिया जी, आपको हम पहचान रहे, हम थावे भी पहले रह चुके हैं, आप हमको जानते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा कॉपरेट किया जाए पेशेंट ताकि बच जाए। आए नहीं, पेशेंट मर गए, पर कोई डॉक्टर यहाँ आया नहीं, कोई रेफरेंस मिला नहीं। ये गरीब लोग कहाँ जाए, किसके सहारे रहे, क्या बोले। डीएम साहब जब आए थे यहाँ, जब उनका ये हम लोग पेपर में न्यूज देखते थे तो हमको लगा अब तो कम से कम हॉस्पिटल का और जिला का कुछ उधार होगा, मगर अभी तक वो जिला बद से बदतर होते जा रहा है। हॉस्पिटल का मतलब कि ये कहानी है गोपालगंज। ऐसे में क्या मांग है आप लोग की? हाँ क्या मांग है आप लोग की? अब क्या मांग है डॉक्टर लोगों का, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये तो अब ये डीएमए साहब लोग बताएंगे। हम लोगों का मांग तो यही है कि जो उस डॉक्टर ने ऐसा किया है, जिसका ड्यूटी था, उसको सस्पेंड किया जाए, उसका हटाया जाए नौकरी से, उसको जेल भेजा जाए ताकि उसके ड्यूटी में ऐसा काम हुआ है, तो ताकि दूसरा डॉक्टर जब रहेगा तो कम से कम ये डर कर रहेगा ना दवा पी करने के लिए, जब हम डॉक्टर है यहाँ ड्यूटी हमारा है तो सही काम करे। ये लोग खाली आकर मीटिंग करते हैं जहाँ तहाँ बैठ कर, डॉक्टर लोग कोई काम यहाँ करते नहीं है। लोग लेकर आए हुए थे यहाँ पे, यहाँ पर डॉक्टर कोई अच्छी भी नहीं है, पता भी नहीं है कि डॉक्टर है कि नहीं। मैडम भी बोल रही थी कि हाँ डॉक्टर आ रहा है ऑपरेशन करने के, ऑपरेशन था इसका, डॉक्टर बोल रहा है, कॉल करने पर लोग बोल रहे थे लोग कि डॉक्टर 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं, करते करते मतलब लमसम 5 घंटा हो गया है, डॉक्टर को कोई पता भी नहीं है। ऐसे में क्या 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 हुआ इनके? बताने का मुँह नहीं खुला था, ऑपरेशन करने वाले थे। तो क्या मौत हो गई इनकी? जी हाँ मौत हो गई इनकी। किसी अधिकारी से बात हुई है? जी। किससे बात हुई है? मेरे अथी डॉक्टर से बात हुआ था, हम तो नहीं किए, मैं थी बात की थी, एनएम दीदी बात की थी, हाँ इसमें जो आदमी थे वो लोग बात किए थे, अब बोल रहे थे लो, हम लोग को कह रहे थे लोग कि आ रही है मैडम, आ रही है 10 मिनट में आ रही है, 5 मिनट में आ रही है, आधा घंटा में आ रही है, ऐसे करते करते लोग मतलब 4 घंटा लग गया। 8 बजे अगर मैडम आ जाती तो मेरा अथी मरीज बच जाता। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी चनावी।
सब लोग भगत जान।